In a tragic accident in Uttarakhand, 10 people lost their lives and 25 were injured when a bus met with an accident on the Rishikesh Badrinath route. The accident took place in Sakhnidhar area of Dev Prayag when the bus overturned, leaving around 25 injured who were rushed to a nearby hospital. Among the injured, 12 are said to be in a serious state. Meanwhile, relief and rescue operations initiated by the Uttarakhand government are still going on. Considering the accident serious, Uttarakhand Chief Minister Harish Rawat assured all possible assistance to the victims. The state government announced a compensation of 2 lakh rupees to the families of the deceased and free treatment to the injured. मुझे बहुत गहरे दुख के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि देवप्रयाग के पास में जो है हमारी राजकीय परिवहन निगम की एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और डीएम एसएसपी उस घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। सब जगहों से हमने एम्बुलेंसेस वहां को भेज दी हैं, डॉक्टर्स की टीम भी वहां पर अलाइन करवा दी गई है और कुछ मृतकों की संख्या पहले 4 बताई जा रही थी, अब कुछ संख्या बढ़ गई है और मुझे बहुत गहरा दुख है और मैंने चीफ सेक्रेटरी से कहा है कि 2 लाख के हिसाब से प्रति मृतक के हिसाब से वो जो है दुर्घटनाग्रस्त परिवारों को सहायता और जो घायल हैं उनके इलाज की पूरी व्यवस्था सरकारी तौर पे की जाए। जिनको यहाँ इलाज हो सकता है देहरादून में, इलाज यहाँ करवाएंगे, जिनको यहाँ नहीं हो सकता मैंने कहा है कि उनको दिल्ली भेजने का प्रबंध करें और जांच तो ऐसी दुर्घटनाओं की होती है और मैंने इस दुर्घटना को गंभीरता से लिया है, मैंने विभाग के लोगों को भी संबंध किया है। This report is brought to you by NNIS.